अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन इमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की हम डेरिवेशन को आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आरजी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो यहां हमारे पास जो है सबसे पहले हमने लिखा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड। हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट जिसे हमने E2 का नाम दिया वहां से जंप करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर आता है तो एक मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमने कहा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड। एक मखसूस एनर्जी की अमाउंट जो है वो क्या होती है, इमिट होती है। लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। हमने कहा पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, E1 है एंड E2 इज फॉर N2। हमारे पास दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसे हमने क्या नाम दिया, N2। द इमिटेड एनर्जी इज रिटन एज, अब जो एनर्जी इमिट होती है उसको हमने कैसे शो किया, डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1। डेल्टा E बराबर किसके, E2 माइनस E1 के बराबर है। अब E1 जो है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले हमने डेरिवेशन में एनर्जी का फॉर्मूला ये ड्राइव किया था बाई माइनस ME4 एक्सपोनेंट 8π एप्सिलॉन नॉट N2 H2। ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट है, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, पहला ऑर्बिट होगा तो N1 होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो N2 होगा, बाकी ये पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ हमने कहा कि दूसरे ऑर्बिट के लिए हो जाएगा माइनस ME4 अपॉन 8π एप्सिलॉन नॉट N2 H2, और E1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ME4 अपॉन 8π एप्सिलॉन नॉट N1 2 H2। ये हो गया। अब E2 की जगह मैंने यहाँ इसकी वैल्यू रख दी, E1 की जगह माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये यहाँ आ गया और यहाँ मैंने इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इन तमाम में से जो जो कॉमन है वो सब ले लिया, M कॉमन है, E की पावर 4 कॉमन है, देखिए यहाँ जो हमने ये पावर 4 है, सही है, ये यहाँ हमने जो करेक्शन थी वो कर दी। ओके, तो E की पावर जो है, ये भी मैं थोड़ा सही कर दूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ये हो गया E की पावर, M भी कॉमन है, E की पावर 4 कॉमन है, 8π ε0 कॉमन है एंड ओके यहाँ जो है ये तमाम चीज़ें कॉमन ले ली हमने, सिर्फ कॉमन क्या नहीं है, 1 ओवर माइनस माइनस कॉमन नहीं है और 1 ओवर N2 उसका स्क्वायर कॉमन नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें कॉमन आ गई हैं, सिर्फ 1 ओवर N1 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, यहाँ तक पहुँच के हम। अब E जो है, अब देखो हमने क्या किया कि N2 जो यहाँ माइनस में था ना, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, N प्लस वाले को पहले लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर, माइनस वाला बाद में लिखा ना, तो माइनस N2 का स्क्वायर, ये हो गया। E किसके बराबर है, H nu के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ हमारे पास जो है H जो है वो नोमिनेटर में, H क्या है नोमिनेटर में, यहाँ के डिनोमिनेटर में से जाके मल्टीप्लाई हो गया, H³ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर हो गया ME4 अपॉन 8π ε0 नॉट H³ अपॉन N1² माइनस N2² याद रखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। सेम इसी तरीके से वेव नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा, तो वेव नंबर का बाय द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने रखा वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी की जगह रख दिया, पूरा फॉर्मूला यही आ गया। सी यहाँ जो है वो नोमिनेटर में, वहाँ जाके क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ME4 8π ε0 H³ c, फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन N1² माइनस N2² यहाँ तक हो गया। अब ये M भी कॉमन, E भी कॉमन, पाई भी कॉमन, ε0 भी कॉमन, H भी कॉमन, C भी कॉमन, इन तमाम को हमने एक ही कॉन्स्टेंट का नाम दिया, भाई ये तमाम के तमाम क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो इन तमाम कॉन्स्टेंट के लिए, इन तमाम कॉन्स्टेंट को हमने जो है एक ही कॉन्स्टेंट का नाम दिया है और वो कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, इन तमाम कॉन्स्टेंट को हमने एक ही कॉन्स्टेंट का नाम दिया और वो कहलाता है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। क्या कहलाता है, रेडबर्ग नाम के साइंसदान ने ये कैलकुलेट किया, इसको नाम दे दिया गया रेडबर्ग कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 10968 सेंटीमीटर इनवर्स
और 1.9678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स, ये हमारे पास जो है वो क्या है, रेडबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ये वेव नंबर वाला न्यूमेरिकल पेपर में किस तरह आता है, एग्जांपल नंबर 2.3 में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है जब इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम का चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है। अब आर एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। अब हमारे पास जो है वो भाई जो छोटा होगा वो N1 होगा, जो बड़ा होगा वो N2 होगा। N2 की वैल्यू 4 है, N1 की वैल्यू 2 है, ये हो गया। रेडबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 एक्सपोनेंट 7। वेव नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है। वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास हो गया रेडबर्ड कांस्टेंट 1/N1² - N2² रेडबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 1.09678 एक्सपोनेंट 7 और N1 की वैल्यू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, एलसीएम हमने ले लिया 16 हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, 4 का फर्क है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब ये हमारे पास 1.09678 एक्सपोनेंट 7 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से हम डिवाइड करते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 2.051 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स या वेव्स पर मीटर। क्या हो जाएगा, वेव्स पर मीटर हो जाएगा या मीटर इनवर्स जो है इसका यूनिट होगा, और ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है, तो लिहाजा हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।